दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी भरी ज़िंदगी में हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और हम कई रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से एक रोग होता है, वो लगभग सभी के होता है। हड्डियों में दर्द रहता है, किसी के पीठ में दर्द रहता है, किसी के कमर में दर्द रहता है, कई महिलाओं के जो है शरीर में हर समय दर्द रहता है। तो आज मैं आपको एक जो सब्ज़ी दिखा रहा हूँ, ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको 100% जो है दर्द सही हो जाएगा। इसको एयर पोटैटो भी कहते हैं। इसको जैसे हम आलू को उबाल के उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, या आलू को उबाल के या काट के जैसे भी सब्ज़ी बनाते हैं आलू की, उसी प्रकार से इसकी सब्ज़ी भी बनेगी और यह सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी होती है। अगर इसका प्रयोग जैसे बुज़ुर्ग लोग हैं, वो कई लोग जो हैं च्यवनप्राश खाते हैं या कई और चीज़ें खाते हैं, तो उसी तरीके से अगर इसकी सब्ज़ी खाई जाए तो उनको बहुत शरीर में इससे ऊर्जा मिलेगी और ताकत भी मिलेगी और हड्डियाँ भी इससे मजबूत होंगी। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा किस तरीके से लगाई जाती है और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है किसी को अगर कोई तकलीफ है। तो आप वीडियो में बने रहिए और जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं आपको एक टेरिस में एक अनोखी सब्ज़ी दिखाऊँगा। देखिए, यह आपने कहीं देखी है, कई लोगों ने देखी भी हो सकती है, कई लोगों ने नहीं भी देखी हो सकती है। ये जो सब्ज़ी है, ये आसानी से लग जाती है आपके, अगर आप कहीं लगाएंगे तो इसमें ज़्यादा जगहों की भी ज़रूरत नहीं होती है। बेल रूपी सब्ज़ी होती है। देखिए, कई लोग जो हैं टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो उसमें भी ये पौधा आसानी से लगा सकते हैं। ये मैंने अपने छत पे ही लगा रखा, और ये लगा रखा है मैंने केवल 12 इंच के गमले में। तो 12 इंच के गमले में मैंने ये दो पौधे लगा रखे। गलती ये होगी कि मैंने दो पौधे लगा दिए, अगर एक पौधा लगाया होता तो और अच्छा होता है। ये अगली बार जब मैं लगाऊँगा तो इसको एक पौधा ही लगाऊँगा एक गमले में। तो इस तरीके से देखिए, मैंने 12 इंच के पॉट में लगा रखा है और इसमें इतना अच्छा ग्रो हो रहा है। फिर भी दोस्तों, अगर आप इसको मिट्टी के गमले में लगाएंगे तो ये बढ़िया ग्रो होगा, और अगर बड़ा 14-15 इंच से ऊपर का गमला होगा तो इसमें और अच्छी ग्रो करेगा। इसको आप रेतीली मिट्टी होती है तो उसमें, उस प्रकार की मिट्टी में लगाएंगे और इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इसको ग्रो कर सकते हैं, और इसको आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में, क्योंकि ये सालों साल चलने वाला पौधा होता है। इसको अगर एक बार लगा दिया आपने तो ये 3-4 साल आराम से चल जाएगा। उसके बाद इसमें जो गांठें होती हैं, इनको दोबारा से आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आलू की तरह, अगर हम आलू जैसे रखे रहते हैं तो उसमें अंकुर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी अंकुर लगने स्टार्ट हो जाते हैं। और आप इसको अपने, जब अंकुर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसमें इसको लगा सकते हैं। ये मैंने करीब 2 महीने पहले लगाया था, अब जाकर इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आप नॉर्थ इंडिया साइड रहते हैं तो आपका अच्छे से ग्रो हो जाएगा ये। और ये जो सब्ज़ी इसकी बनती है, ये आलू जैसे होते हैं उसी प्रकार के, देखिए आलू जैसे होते हैं उसी प्रकार की होती है। इसको एयर पोटैटो कहते हैं। ये जो पौधा है, इसकी जो इसमें सब्जियाँ लगती हैं, ये आर्थराइटिस में बहुत काम आती है। किसी को अगर हड्डियों में दर्द है या किसी को गठिया बाधत है, गठिया के रोगी को ये बहुत काम आती है, क्योंकि ये गर्म सब्ज़ी होती है। कई लोग जो हैं लहसुन प्याज और इस टाइप की अंडा मीट मछली नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत लाभदायक होती है। कई जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभदायक होती है। ये जो जब बुढ़ापा आता है तो उसमें शरीर में दर्द रहता है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो उसमें बहुत लाभप्रद होती है ये सब्ज़ी। ये जो फल लगते हैं, ये बेल रूपी लगते हैं। देखिए, हर जो जहाँ से पत्ता निकल रहा है या नई ब्रांच आ रही है, वहाँ एक ये फल लग जाता है। इसको लगाने का जो मैंने तरीका बता रखा है, इसके पहले वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं किस तरीके से लगाई जाती है। और देखिए किस तरीके से इसको बेल भी कितनी अच्छी लगती है। देखिए, मनी प्लांट की जैसी बेल होती है, उसी प्रकार से पौधे की बेल भी होती है, और बहुत सुंदर लगता है आपका गार्डन इससे। और ये फल आपके यूज भी हो जाते हैं सब्जी के रूप में, फल नहीं कहेंगे इनको, सब्जी कहेंगे। तो आपके सब्जी यूज हो जाएगी, आपके जो बीमार रहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए, इस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको अगर ये पौधा चाहिए होगा, या आपको अगर ये जो इसके अंकुर निकलते हैं, ये बीज, वो चाहिए होंगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए भिजवा दूँगा। आप अपना पता लिखकर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। धन्यवाद।